अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स का है। वेबसाइट्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है जी इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जैसे आप दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जब आप इंग्लिश क्या है आपकी एक लैंग्वेज है, इसी तरह से उर्दू भी क्या है आपकी एक लैंग्वेज है। तो जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी आप डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, उनमें से एक लैंग्वेज कौन सी है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन में आपके लिखा हुआ है जी वेब सर्वर क्या होता है और वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वेब सर्वर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर होता है दैट कैन सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन www। अब www के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। और ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डिफरेंट वेब पेजेस की कलेक्शन है, जिसको आप वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देते हैं। और वेब पेज क्या होता है, अ सिंपल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेएबल बाय अ ब्राउज़र। अच्छा, अब वेब सर्वर क्या है, सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट कैन सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट को आप यूज़र का नाम भी दे सकते हैं। अब क्लाइंट या यूज़र कौन है, हम लोग हैं, ठीक है, जो किस पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे हम कोई ना कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। द अदर डेफिनेशन ऑफ वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट्स, वो कंप्यूटर जो डिफरेंट वेबसाइट्स को रन करता है। अब वेबसाइट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शू वेबसाइट को सर्च करते हैं, स्टाइलो को, www.stylo.pk, ठीक है, वो stylo.pk क्या है, वो एक वेबसाइट है, शू वेबसाइट, जिसमें तमाम के तमाम उनके जो शू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो हो जाते हैं। वेब सर्वर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज़ टू स्टोर प्रोसेस, स्टोर का मतलब होता है महफूज करना, प्रोसेस करना, एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द यूज़र्स और क्लाइंट्स। वेब सर्वर का क्या काम है, स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिलीवर करना क्या चीज़, वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिस्प्लेएबल हैं विद द हेल्प ऑफ और बाय अ ब्राउज़र टू द यूज़र, यानी यूज़र को जो वेब पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो किसकी वजह से या किसके थ्रू हमें मिलते हैं, वेब सर्वर के थ्रू मिलते हैं। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है यूज टू डिस्प्ले पेजेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। वो तमाम पेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू नज़र आते हैं, वो वेब ब्राउज़र के थ्रू नज़र आते हैं। वेब सर्वर की एग्जांपल आप गूगल वेब सर्वर एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, और वेब ब्राउज़र में आप इंटरनेट की एग्जांपल दे सकते हैं और साथ साथ गूगल की एग्जांपल दे सकते हैं। अब ये ऐसे होता है, वेब ब्राउज़र क्या है, बेसिकली आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, आप कौन है, क्लाइंट हैं या यूज़र हैं। तो जो कंप्यूटर यूज़र यूज़ कर रहा है, क्लाइंट यूज़ कर रहा है, यानी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या इंस्टॉल होता है, वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है। अब वेब ब्राउज़र फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पर लिखते हैं जी वही स्टाइलो वाली, या आप कोई बुक सर्च करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की, आप वेब ब्राउज़र या वेब गूगल पे जाके लिखते हैं ना कंप्यूटर बुक, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करता है, वेब ब्राउज़र की हेल्प से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, किससे, किस सूरत में, HTTP। HTTP जब आपने प्रीवियस चैप्टर्स में प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आप अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ HTTP, जिसको आगे रिसीव कौन करता है, वेब सर्वर रिसीव करता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, यानी आप जो भी गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसको रिसीव कौन करता है, वेब सर्वर। उस रिक्वेस्ट को
जो वेब ब्राउज़र के थ्रू सेंड की जाती है, वेब सर्वर जो है उसको एक्सेप्ट करता है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की बुक सर्च कर रहे हैं, आप कोई क्लोथिंग ब्रांड सर्च कर रहे हैं, आप कोई शू ब्रांड सर्च कर रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज HTML की सूरत में रिस्पॉन्स देगा। HTML क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है सेंडिंग ऑफ रिक्वेस्ट का, एक्सेप्टिंग ऑफ रिक्वेस्ट का, ये किस लैंग्वेज में हो रहा होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सूरत में इसको यूज़ करते हुए हो रहा होता है। ठीक है जी, आप इंट्रोडक्शन टू HTML की अगर हम रीडिंग करें तो लिखा हुआ है, व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू आ वेब सर्वर, किसके थ्रू, आ वेब ब्राउज़र, यानी वेब ब्राउज़र के थ्रू जब आप वेब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टू एक्सेस आ वेब पेज। अब वेब पेज की हमने बात की है, वेब पेज आपकी कोई कंप्यूटर की बुक हो सकती है, आप कोई शू ब्रांड सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, यू गेट HTML। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर, कौन रिस्पॉन्स करता है, वेब सर्वर रिस्पॉन्स करता है किसको, वेब ब्राउज़र को, किस सूरत में, HTML की सूरत में। द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड द HTML, अब वेब ब्राउज़र क्या है, HTML को अंडरस्टैंड करते हैं एंड डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। कंटेंट्स को आप मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है, डेटा कह सकते हैं, जो आप वेब पेज का डेटा या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो किसके थ्रू मिलता है हमें, वेब सर्वर सेंड करता है और वेब ब्राउज़र उसे हमें डिस्प्ले करता है। HTML टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड इनसाइड आ वेब पेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमें क्या बताता है कि ब्राउज़र में डेटा या कंटेंट जो है वो वेब पेज के अंदर उसको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। कल इंशाल्लाह हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी।